नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे Redmi की तरफ से आने वाला काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन, एक प्रीमियम फोन होने वाला है क्योंकि इसका प्राइस जो है 45,000 है इंडिया के अंदर। मैं आपको बता दूं, इस फोन का नाम है Redmi K50, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, साथ साथ इसका K50 Pro वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं Redmi के K50 स्मार्टफोन के बारे में, पूरे डिटेल में कितना आपको रैम मिल जाता है, स्टोरेज, प्रोसेसर, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले को लेकर, यहाँ पे आपको काफी कमाल का और काफी बड़ा 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इसका क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। इसको प्रोटेक्शन के आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ पे बेजल लेस स्क्रीन देखने को मिल जाता है। काफी कम यहाँ पे आपको बेजल देखने को मिल जाता है, पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग ओवरऑल डिस्प्ले होने वाला है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण से यहाँ पे आपको ओवरऑल जो क्वालिटी है डिस्प्ले का वो काफी ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात करें इस स्मार्टफोन के रैम को लेकर, यहाँ पे आपको 12GB का रैम मिल जाता है और 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब 12GB रैम के साथ आप किसी भी गेम को खेले, BGMI, PUBG, न्यू स्टेट, किसी भी आप गेम को खेले, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो स्टोरेज मिल जाता है 256GB, ये काफ़ी ज़्यादा है आज के हिसाब से देखा जाए तो। PC में भी आपको नॉर्मली इसमें SSD जो है 256GB या 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। तो एक SSD के बराबर का आपको यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाता है और इस स्टोरेज के साथ जो है आप काफी सारे फोटोज, वीडियोस को स्टोर कर पाएंगे, डेटा को स्टोर कर पाएंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें हम इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon का 8th generation का 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो काफी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है आज के हिसाब से देखा जाए तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 8th generation का प्रोसेसर जो है इस साल का सबसे ताकतवर प्रोसेसर इसे माना गया और यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस जो आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला। आप चाहे कोई भी गेम खेले, आपको प्ले स्टोर पे जितना भी गेम देखने को मिल जाता है, आप किसी भी गेम को खेलेंगे, आपको कभी भी कोई भी थोड़ा सा भी लैग या हैंग का समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है ग्राफिक्स के साथ भी। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा को, तो आपको रियल में 3 कैमरा देखने को मिल जाता है। सबसे पहला 64 मेगापिक्सल का प्रीमियम कैमरा, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, और साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का और मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप नाइट मोड खींचे, पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचे, कोई भी आपको जो है लैग हैंग का समस्या तो नहीं देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आप 4K वीडियो 30 FPS के साथ रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि काफ़ी एक अच्छा बात है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन हो सकता है। यहाँ पे आपको 4700 mAh का बैटरी मिल जाता है। इसके अंदर में आपको 120W का सुपर फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी कम समय में पूरे के पूरे बैटरी को चार्ज कर देगा स्मार्टफोन। लुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जरूर देखने को मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन, लेटेस्ट जो एंड्रॉइड वर्जन 11 है उसका सपोर्ट अभी देखने को मिल जाता है। जल्दी आपको 12 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा और 13 का भी भविष्य में आपको अपडेट देखने को स्मार्टफोन में जरूर मिलेगा। 4 साल तक आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल सिप्पू झा को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता है, इसी कारण से सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, आपको नीचे ही देखने को मिल जाएगा। वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। 45,000 के राउंड में इसे ठीक ठाक स्मार्टफोन बोल सकते हैं, बेस्ट तो नहीं हो सकता है क्योंकि आपको OnePlus वगैरह का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन आने वाला है वो काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है, इससे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मुझे पर्सनली लगा है OnePlus का स्मार्टफोन, इस कारण से क्योंकि OnePlus एक प्रीमियम ब्रांड है तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऐसा चीज़ देखने को मिल जाता है जो कि प्रीमियम होता है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। आपको गूगल का भी Pixel 6a जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में जल्दी देखने को मिल जाएगा, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल हम इसे ठीक ठाक ऑप्शन बोल सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन भी सिंपल सब में बोल सकते हैं। ये आपको 2022 में देखने को मिल जाएगा फरवरी में।